तो अब ये टॉपिक अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है पैरामीटर्स ऑफ कंपटीशन लॉ। ठीक है, तो इसके अंदर हम पॉइंट्स पढ़ेंगे जिस पॉइंट के ऊपर केसेस बनाए जा सकते हैं कंपनीज़ के अगेंस्ट अगर वो वॉयलेट करते हैं कंपटीशन लॉ को। ठीक है, तो क्या टाइप के केस हैं ये एक बार हम पढ़ें। इससे पहले मैं एक आपको ना न्यूज़पेपर का एक क्लिपिंग दिखाऊंगा, ये मिंट करके न्यूज़पेपर है, उसमें आया था। बेसिकली कंपटीशन एक्ट ना अभी अपना टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी एग्रेसिवली इसको परस्यू किया जा रहा है। ठीक है, देखो हेडलाइन, रिलायंस जियो वर्सेस राइवल्स। राइवल्स कौन हो गए? एयरटेल, वोडा, आइडिया। ठीक है, गवर्नमेंट कन्फर्म्स केसेस इन सीसीआई। तो कुछ केसेस रिलायंस के ऊपर हुए हैं, कुछ केसेस रिलायंस ने अपने राइवल्स के ऊपर किए हैं। ठीक है, प्रॉब्लम क्या था कि रिलायंस अपनी टेलीकॉम सर्विसेज लेके आया जिसमें उसने सब कुछ फ्री कर दिया। फ्री तो कर दिया, लेकिन अब रिलायंस के नेटवर्क से अगर कोई एयरटेल के नेटवर्क पे कॉल करे तो कॉल लगती नहीं। तो रिलायंस अब एयरटेल को एक्यूज़ कर रहा है कि एयरटेल उसको मार्केट में घुसने नहीं दे रहा रिलायंस को। अब देखो यहाँ पे मेन क्या है, द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ रजिस्टर्ड 4 केसेस अगेंस्ट सेलुलर सर्विस प्रोवाइडर फॉर वायलेटिंग सेक्शन 3 और 4 ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट। ठीक है, अब ये सेक्शन 3 और 4 क्या कहते हैं? वाइल सेक्शन 3 ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट पर्टेन टू द एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस। ठीक है, ये वर्ड ध्यान से मार्क करो, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस, और सेक्शन 4 रिलेट टू अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजिशन। ठीक है, द मिनिस्टर वॉज रिप्लाइंग टू ए क्वेरी। अच्छा ये ठीक है, आगे न्यूज़ की आइटम है। तो ये 2 पर्टिकुलर सेक्शन हैं इनके, सेक्शन 3 और 4, जिसमें इन्होंने 2 पॉइंट के ऊपर केस रजिस्टर किया है, एक तो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस और एक अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजिशन। यही चीज़ हम यहाँ अपना पढ़ रहे हैं पैरामीटर्स ऑफ कॉम्पिटिशन लॉ में। प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन एग्रीमेंट विच आर कंसिडर्ड टू बी एंटी कॉम्पिटिटिव, ठीक है, एंड अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजिशन। और एक थर्ड पॉइंट है, रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन इन इंडिया। रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस मतलब होता है कि भाई मान लीजिए 3 ही टेलीकॉम कंपनीज हैं मेन, एयरटेल, वोडा और आइडिया, तीनों आपस में मिल गए और इन्होंने एक कार्टेल बना लिया कि भाई अब हम कॉल रेट कर देंगे 2 रुपीज़ पर कॉल और इससे नीचे अब हम किसी को ऑफर ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया कि प्राइस कार्टेल बनाना, तो ये एंटी कॉम्पिटिटिव हो गया। भाई आपस में मिल के अगर इस तरह से करेंगे तो एंड में इनके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे और जनता के पॉकेट से जाएगा सारा पैसा। ठीक है, राइट, तो 3 पॉइंट है, प्रोहिबिशन ऑफ एग्रीमेंट्स विच आर कंसिडर्ड टू बी एंटी कॉम्पिटिटिव, अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजिशन। डोमिनेंट पोजिशन मतलब जैसे अभी इसमें मैंने आपको बताया कि एयरटेल और वोडा डोमिनेंट पोजिशन में है, तो वो रिलायंस जियो के नेटवर्क से कोई भी कॉल आती है इनके नेटवर्क पे तो उसको कनेक्ट ही नहीं करने देते, तो ये क्या अनफेयर है ना। ठीक है, तो दिस इज़ इम्पोजिंग अनफेयर कंडीशंस, ठीक है, एंड रिस्ट्रिक्टिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दोनों ही काम हो रहे हैं, एक तो अनफेयर कंडीशन लग रही है और एक रिलायंस की जो सर्विसेज हैं वो भी रिस्ट्रिक्ट हो रही हैं, क्योंकि अगर रिलायंस के नेटवर्क से अगर हम एयरटेल, वोडा, आइडिया पे कॉल नहीं कर सकते तो फिर उसका नंबर लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों के पास तो यही 3 कंपनियों के नंबर है। ठीक है ना, ये पॉइंट समझ में आया, कॉम्बिनेशन वाला समझ में आया। अब आते हैं ये प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन एग्रीमेंट विच आर कंसिडर्ड टू बी एंटी कॉम्पिटिटिव। अब ये क्या होता है कि भाई 2 बंदे हैं, दोनों मेन मार्केट प्लेयर हैं, तो उन्होंने कहा चलो भाई ऐसा करो, ये इंडिया है तो इंडिया में ऊपर नॉर्थ का सारा हिस्सा आप देखो, साउथ इंडिया का सारा बिजनेस मैं देखूँगा, आप नॉर्थ इंडिया में रहो, मैं साउथ इंडिया में रहूँगा। ठीक है, तो आप साउथ इंडिया के अंदर नहीं आ सकते, मैं नॉर्थ इंडिया में नहीं आऊँगा। इस तरह अगर कोई 2 बिजनेस एंटरप्राइजेस एग्रीमेंट कर ले तो इससे क्या होगा भाई, कॉम्पिटिशन किल हो जाएगा, दोनों अपने अपने इसमें अपनी मोनोपली के हिसाब से फिर प्राइसेस को डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव डीलिंग
for supply and distribution, refusal to deal, etc. तो ये example है, ठीक है. Such agreements are considered to be anti-competitive when they cause an when they cause an adverse effect on competition within India. ठीक है. अब suppose करो कि दो company है, उन्होंने आपस में ये agreement कर लिया. अब इन दो company के अलावा ऐसी हजारों और company है जो North India, South India में service provide कर रही है, तो फिर उनका agreement anti-competitive थोड़ी हुआ. वो उनकी आपस की mutual understanding हो गई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है law को. Law को दिक्कत ये है जब Airtel, वोडा, आइडिया, पता है भाई टेलीकॉम खाली यही तीन कंपनी देने में काबिल है कि इन्हीं तीन का नेटवर्क चलता है, बाकी किसी का तो चलता ही नहीं है. तो ये तीन कंपनी अगर आपस में इस तरह कोई एग्रीमेंट कर ले कि वोडा बोले ठीक है यार मैं चेन्नई के अंदर ही खाली अपनी सर्विसेज दूंगा, एयरटेल बोले ठीक है मैं चेन्नई में नहीं आऊँगा, फिर मैं हैदराबाद में अपनी सारी सर्विसेज दूंगा, ठीक है. तो इस तरह से अगर ये कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं तो डेट इज़ एंटी कॉम्पिटिटिव, जहाँ पर हमें पता है कि भाई प्लेयर गिनती के है ही ये दो, ओके. लेकिन जहाँ पे हजारों लोग हैं वहाँ पे इस तरह कोई इसकी रेलेवेंस नहीं है. तो मुद्दे की बात क्या है कि व्हेन दे कॉज एन एडवर्स इफेक्ट, अगर कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं हो रहा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है. ओके. तो तीन पॉइंट हैं. पहला, प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन एग्रीमेंट विच आर कंसिडर्ड टू बी एंटी कॉम्पिटिटिव इन नेचर. ठीक है. सेकेंड है आपका एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजिशन. थर्ड है आपका regulation of combinations having adverse effect on competition in India. ठीक है. Prohibition of agreement, abuse of dominant position, regulation of combination. Prohibition of agreement जो कि anti-competitive है in nature, regulation of combination जिसका एक adverse effect है on competition in India. Example आप तीनों के ही ले सकते हो. Regulation of combination का example हो गया आपका price cartel, ठीक है. Agreement हो गया आपका जैसे exclusive डीलिंग फॉर सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है. और अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजिशन हो गया जैसे आपका इम्पोजिंग अनफेयर कंडीशंस, ठीक है, या रिस्ट्रिक्टिंग सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. एग्जाम्पल आपका जैसे जियो की जो कॉल कनेक्ट्स वाला था, चाहे तो आप लिख भी आना एग्जाम में जियो वाला एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, ठीक है. तो देखें इसका क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में. एक तो सीधा क्वेश्चन आ सकता है भाई, व्हाट विच पैरामीटर्स आर एप्लीकेबल इन रिलेशन टू कंपटीशन लॉ इन इंडिया. ओके. पैरामीटर्स इज आपका कीवर्ड, आपको पैरामीटर्स लिखने को आएगा, तो आपको ये तीन लिखने, ठीक है. और एक केस लॉ के तरीके से आया था क्वेश्चन एक बार, क्वेश्चन नंबर 11. एबीसी लिमिटेड हैज़ बीन द लीडिंग साइंटिफिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन साउथ इंडिया, बट इट सडनली फाइंड दैट सर्टेन कंपनीज फ्रॉम नॉर्थ इंडिया दैट डू नॉट हैव एनीवेयर नियर इट्स ओन काइंड ऑफ क्लाउड इन देयर ओन टर्फ आर ट्राइंग टू एंटर द साउथ इंडियन मार्केट. ठीक है. But because of its superior clout, ABC Limited coerces them to enter into agreement with itself such that
they do not sell at the prices above that of its own products. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि कुछ कंपनीज हैं नॉर्थ इंडिया की जो साउथ इंडिया में आके बिजनेस करना चाहती है, और एबीसी लिमिटेड उन कंपनीज के साथ कुछ एग्रीमेंट में आना चाहते हैं ताकि वो प्राइसेस को थोड़ा रेगुलेट कर सके. ओके, तो ये क्या हो गया आपका, ये पहला वाला पॉइंट, दोनों ही पॉइंट हो गए. एक तो ऐसे एग्रीमेंट में एंटर कर रहे हैं विच आर एंटी कॉम्पिटिटिव, और एक वो साउथ इंडिया की वहाँ पे लिखा है ना लीडिंग, तो इसका मतलब डोमिनेंट पोजीशन है, तो अपनी डोमिनेंट पोजीशन का ये फ़ायदा भी उठाने की कोशिश कर रहे हैं एबीसी लिमिटेड. ठीक है, तो आपसे कमेंट मांगा है तो ये कमेंट में लिख देना. कन्वर्सली इफ एबीसी लिमिटेड वर टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद डिस्ट्रीब्यूटर सच डेट द डिस्ट्रीब्यूटर आर प्रिवेंटेड फ्रॉम मार्केटिंग द प्रोडक्ट ऑफ नॉर्थ इंडियन कंपनीज, वुड डेट बी लीगल, वुड डेट बी इलीगल? हाँ तो येस, वो भी इलीगल होगा, दोनों ही सूरतों में इलीगल है. एबीसी लिमिटेड अगर नॉर्थ इंडिया की जो कंपनीज हैं उनके साथ एग्रीमेंट करता है वो भी इलीगल है. देखो दो पॉइंट में इसका आंसर हो गया. देखो प्लीज़ कमेंट ऑन द लीगलिटी ऑफ सच एग्रीमेंट. ओके, यहाँ आपका पहला क्वेश्चन ख़त्म होता है और यहाँ से आपका दूसरा क्वेश्चन चालू होता है. कन्वर्सली इफ एबीसी लिमिटेड वर टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद डिस्ट्रीब्यूटर सच दैट द डिस्ट्रीब्यूटर आर प्रिवेंटेड फ्रॉम मार्केटिंग द प्रोडक्ट ऑफ नॉर्थ इंडियन कंपनी, वुड डेट बी इलीगल? तो ये तो हो गया आपका एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजिशन. ठीक है, और ये वाला जो पार्ट हो गया ये हो गया आपका एग्रीमेंट जो कि एंटी कॉम्पिटिटिव है. ठीक है, तो ये भी प्रोहिबिटेड है. क्लियर है इसका आंसर आपको क्या लिखना है? ओके, तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं इसमें से. आगे देखते हैं अब हम अपना टॉपिक नंबर 7, कंज्यूमर इंटरेस्ट वर्सेस पब्लिक इंटरेस्ट, अगली वीडियो में.